बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अपने चैनल में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम सऊदियों और गैर मुल्कियों के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट शेयर करने वाली हैं। इसकी तमाम तर डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को लाजमी से लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे करती हूँ मैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि सऊदियों और गैर मुल्कियों को कितने घरेलू मुलाजिम रखने पर फ़ीस देना होगी। इसकी तमाम तर डिटेल्स यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि घरेलू मुलाजिमीन को सालाना 9,600 रियाल मुकाबिल माली फ़ीस के तौर पर वसूली की जाएगी। ये वसूली दो किस्तों में की जाएगी। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि घरेलू मुलाजिम सालाना 9,600 रियाल मुकाबिल माली की मद से वसूल किए जाएंगे। इससे इन अफराद को असस्ना दिया जाएगा जिन्होंने सेहत निगाशत या मजदूरों की देखभाल के लिए 4 से ज़्यादा घरेलू मुलाजिम रखे होंगे। मसाने सरकारी गोशवारों के मुताबिक इन दिनों पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलिपाइन, नाइजीरिया, माली और केन्या से घरेलू मुलाजिम लाए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बिल्कुल नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सऊदी अरब में मकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफेल छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो, तो आप हमारे साथ राबता करें। हम इंशाल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका खरूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो, वो आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है, इस पर आप कॉन्टेक्ट करें। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मतलूब केस वाले रब्ता ना करें। शुक्रिया।